और नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स प्रोपोर्शंस। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में हमने देखा एक्स एंड वाई दो क्वांटिटीज थे, सच एज जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी वाई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, राइट। यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन में एक्स एंड वाई दो क्वांटिटीज है और जब एक्स इंक्रीज होगा तो वाई डिक्रीज होगा, और जब एक्स डिक्रीज होगा तो वाई इंक्रीज होगा, राइट। दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ओके। एक्स व्हेन एक्स इंक्रीजेस वाई डिक्रीजेस एंड व्हेन एक्स डिक्रीजेस वाई इंक्रीजेस, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शंस। अब पहले कैसे हमने टेबल बनाया डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के लिए, वैसे ही इनवर्स प्रोपोर्शन का भी टेबल होगा। y3, ओके, ये टेबल है x और y का, x1, y1, x2, y2, x3, y3 एंड सो ऑन, बढ़ते जाएगा ये टेबल, ओके। ऐसा टेबल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी सेम टेबल था, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 इक्वल टू x3 अपॉन y3 एंड सो ऑन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का भी सिर्फ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से आप इनवर्स प्रोपोर्शन का कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। That formula is x1 y1 equal to x2 y2 equal to x3 y3 and so on. This is really important formula. Direct proportion का कैसे important formula था एक x1 by y1 equal to x2 by y2 and so on. यहाँ पे formula है x1 y1 equal to x2 y2 equal to x3 y3 and so on. इस formula से हम कोई भी sum solve कर सकते हैं, right? सो इनवर्स प्रोपोर्शन में एक्स इंक्रीजेस वाई डिक्रीजेस, एक्स डिक्रीजेस वाई इंक्रीजेस, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ये हमने टेबल बना दिया वैल्यूज का, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री एंड सो ऑन। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसे स्टार कर दीजिए, एक्स वन वाई वन इक्वल टू एक्स टू वाई टू इक्वल टू एक्स थ्री वाई थ्री एंड सो ऑन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन के सम्स में फर्स्ट वी यूज टू एक्सप्लेन कि ये पर्टिकुलर सम डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों है, कि जैसे x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें भी सेम, इस टाइप के सम्स में भी पहले भी एक्सप्लेन कि ये सम डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का है कि इनवर्स का। इफ x इंक्रीजेस देन y डिक्रीजेस तो इनवर्स, ओके, एंड x इंक्रीजेस एंड y आल्सो इंक्रीजेस तो डायरेक्ट। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शंस के, लेट अस सी। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स and time required for work, यानी कि मुझे एक काम है, समझो मैं बिल्डिंग बना रहा हूं और मैंने वर्कर असाइन किए बिल्डिंग बनाने के लिए, तो यह है नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर वर्क। तो हमें पता है नंबर ऑफ वर्कर्स जब इंक्रीज होगा तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वर्क डिक्रीज होगा। समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्कर लिया, उसको 10 दिन लग रहे हैं, और दो वर्कर लिए तो कम टाइम लगेगा, समझो 5 दिन लगे, राइट। सो इफ नंबर ऑफ वर्कर्स को हम एक्स ले एंड टाइम रिक्वायर्ड को हम वाई ले, देन वी कैन से ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि जब एक्स बढ़ेगा तो वाई डिक्रीज होगा। सो वी राइट व्हेन नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज टाइम फॉर द वर्क डिक्रीजेस, राइट। नंबर ऑफ व्हेन नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज टाइम फॉर द वर्क डिक्रीजेस, देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, ऐसा कोई प्रॉब्लम आया जहां पे पूछा है कि चेक वेदर इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, पहले डिसाइड कीजिए एक्स किसको डालना है और वाई किसको डालना है, राइट। फिर चेक कीजिए एक्स की वैल्यू जब आप इंक्रीज करेंगे तो क्या वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, अगर यस तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो फिर उसके बाद चेक कीजिए अगर एक्स की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्या, अगर हो रही है तो इनवर्स प्रोपोर्शन। यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स को एक्स लिया, टाइम रिक्वायर्ड को लिया वाई,
यहाँ पे चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि जब हम नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करेंगे तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वर्क डिक्रीज होगा, राइट। जैसे कि वन वर्कर लेके किया तो 10 दिन, दो वर्कर लिए तो 5 ही दिन लगेंगे, कम दिन लगेंगे, राइट। तो इसके बाद भी राइट, व्हेन नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेस टाइम फॉर द वर्क डिक्रीजेस, देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइम फॉर जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट कॉन्स्टेंट स्पीड। ओके, एक है टाइम फॉर जर्नी, दूसरा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और एक चीज हमें दी है, दैट इज एट कॉन्स्टेंट स्पीड। नाउ यू नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। यहां पे स्पीड कॉन्स्टेंट है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आएगा, राइट। तो यहां पे चेक कीजिए, स्पीड कॉन्स्टेंट है, राइट, मतलब स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आ रहा है तो वो 10 किलोमीटर पर आ रही रहेगी, वो कम ज्यादा नहीं होगी। यहां पे पूछा है टाइम एंड डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली अगर टाइम को हमने एक्स लिया एंड डिस्टेंस को लिया वाई, तो चेक कीजिए जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा टाइम भी बढ़ेगा, राइट। यानी समझो आपका डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के लिए आपको समझो 10 मिनट लग रहे हैं, अगर डिस्टेंस बढ़ गया 2 किलोमीटर हो गया 2 किलोमीटर, तो टाइम भी बढ़ेगा। तो वी राइट व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजेस टाइम ऑल्सो इंक्रीजेस, देयरफॉर दिस इज, ये क्या होगा फिर, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, वाई इंक्रीज हो रहा है तो एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, ये क्या होगा फिर, दिस इज डायरेक्ट प्रपोर्शन, राइट। एक्स और वाई में से कोई भी एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हुई तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, दैट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो दिस इज डायरेक्ट प्रपोर्शन, ओके। सिमिलरली और एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक टैंक है बड़ा, राइट, और टैंक को मैं पाइप से, नल है, नल से भर रहा हूँ। अगर मैं एक नल इस्तेमाल करूँगा तो समझो 10 मिनट लगते हैं, तो ऐसे में अगर 6-7 नल लगा दूंगा तो टाइम कम लगेगा मुझे, क्योंकि टैंक कॉन्स्टेंट है। तो थर्ड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, नंबर ऑफ टैप्स एक है एंड टाइम टू फिल द टैंक, ओके। एक टैंक को मैं भर रहा हूं टैप से, तो आप यहां पे चेक कीजिए, नंबर ऑफ टैप जैसे बढ़ेंगे, अगर मैंने एक की जगह पे 2 टैप्स लगा दिए तो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक कम होगा। सो एज नंबर ऑफ टैंक इंक्रीजेस, नंबर ऑफ टैप्स इंक्रीज, टाइम टू फिल द टैंक डिक्रीजेस, राइट। नंबर ऑफ टैप्स को एक्स ले लिया, टाइम टू फिल द टैंक को वाई ले लिया, चेक कीजिए एक्स जब बढ़ेगा, नंबर ऑफ टैप्स जब बढ़ेंगे तो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक कम होगा। मैंने एक की जगह पे 10 नल लगा दिए तो टैंक भरने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, जल्दी भर जाएगा टैंक। सो एज नंबर ऑफ टैप्स इंक्रीजेस, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक डिक्रीजेस, देयरफॉर दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, दिस इज आईपी इनवर्स प्रोपोर्शन, आपको फुल लिखना है, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज टाइम फॉर जर्नी एंड स्पीड। तो पहले ये तो आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले के प्रॉब्लम में क्या था कि स्पीड कांस्टेंट था, राइट, सो हम लिख सकते थे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ जर्नी एंड स्पीड, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, राइट, टाइम भी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट क्या है, वो है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट, ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट है आपका। सो एक चेक कीजिए, अगर मैं एक कोई स्पीड से एक फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, समझो 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे समझो एक डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 घंटा लगता है, राइट। सो अगर मैं मेरी स्पीड बढ़ा दूँ, तो अगर 10 किलोमीटर पर आर से 20 किलोमीटर पर आर कर दूँ तो मुझे 1 घंटे की जगह पर आधा घंटा लग सकता है, मुझे कम टाइम लगेगा, राइट,
So as speed increases, time decreases, right? As speed increases, time decreases. Therefore, this is inverse proportion. Okay? Speed increase ho raha hai, toh time decrease ho raha hai, kyunki distance apka constant hai. So this is inverse proportion. Next hum dekhte hai, total population of a country and land per person. Now, land per person. Land per person is equal to total area upon total population. Okay, land per person is total area upon total population. Yani for example, hume puri Mumbai ka land per person nikalna hai. For example, to hum kya lenge? Total area of Mumbai upon total population of Mumbai. Ya fir hume samjho land per person pure India ka nikalna hai, pure country ka. To hum kya lenge? Total area of India upon total population of India. That will give us land per person. अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, जैसे टोटल पॉपुलेशन बढ़ेगा, एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, राइट? एरिया कंट्री का या सिटी का कांस्टेंट रहेगा, पर जब टोटल पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लैंड पर पर्सन की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, राइट? समझो मेरे पास 100 स्क्वायर फीट का एक एरिया है, वहां पे 10 लोग खड़े हैं, हर आदमी को एक अलॉट दिया है, एक उस 100 स्क्वायर फीट में से एक फिक्स्ड अमाउंट दिया है कि ये एरिया तुम्हारा है एंड ऑल दीज एरियाज आर इक्वल, राइट? तो मैंने 10 लोग के समझो 20 कर दिए, तो हर आदमी को जो एरिया मिला है उसकी साइज कम हो जाएगी, क्योंकि और एक्स्ट्रा 10 लोगों को भी अलॉट करना है उस 100 स्क्वायर फीट में. तो यही कंसेप्ट है, टोटल पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो लैंड पर पर्सन कम होगा. सो वी राइट व्हेन टोटल पॉपुलेशन इंक्रीजेस लैंड पर पर्सन decreases. Therefore, this is inverse proportion. Okay, मैंने यहाँ पे short form में लिखा है, आपको complete लिखना है पूरा. मैंने लिखा है total POP dot increases land per person decreases. आपको full लिखना है complete. When total population increases, land per person decreases. Therefore, this is inverse proportion.